friends, most welcome on GDI Creative Skills. Here we are going to start 25 days challenge to learn English speaking. And now, before starting this video, I'm going to tell you something that you have to clear your why. मतलब आपको ये वीडियो देखने से पहले अपना why clear करना होगा कि आप क्यों English सीखना चाहते हैं. जब तक आपका why clear नहीं होगा, आप अपने challenge पे focus नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले आप ये clear करो कि आपको English क्यों सीखना है. जब आपका why clear हो जाएगा, then you can focus on your challenge. And then आपको ये देखना है कि आप कब और कैसे करेंगे. तो वो मैं आपको इस वीडियो में लाइन से बताते रहूंगी. एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो. कुछ मेन इंस्ट्रक्शन मैं आपको पहले बता दूं. ये आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा यहाँ पर, जो भी मैं पढ़ाऊंगी, उसका नोट्स पर्सनल बनाना है. इस पर्सनल नोट्स बनाने से क्या होगा कि आप 25 डेज में कभी भी रिवीजन करना हो या कुछ भूल गए हो तो आप इजीली प्रीफर करके अपने नॉलेज को रीगेन कर सकते हैं. क्योंकि जब आप कंटेंट अगर नोट्स नहीं करोगे और जब आपको कुछ भूल गए, कुछ देखना होगा, तो आप क्या करोगे, वीडियो जाके वापस चालू करोगे और वापस जाके देखोगे? नहीं. इसलिए आपको अपना पर्सनल नोट्स बनाना है. और नोट्स बनाने का ये भी बेनिफिट होता है कि जब हम खुद से नोट्स बनाए होते ना, उसमें आपको क्या होता है, वो इजीली सब कुछ याद होता है और बहुत सिंपल लगता है इसको दोबारा प्रीफर करने. सेकेंड थिंग, आपको प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस भी करनी है और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करनी है. तो रिटन प्रैक्टिस में पहले मैं आपको क्या बता दूं कि कैसे करनी है वो चीज. तो रिटन प्रैक्टिस में आपको ना जो भी सेंटेंस यहाँ पे मैं बनवाऊंगी, सिखाऊंगी, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नए सेंटेंस बनाने हैं. देन उसके बाद आता है स्पीकिंग प्रैक्टिस. स्पीकिंग प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है. इसके बिना तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना ही तो सीखना है. और जब आप बोलने की हैबिट ही नहीं डालोगे तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाओगे. तो इसलिए आपको ये दोनों प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फ्रेंड्स, नोट्स बनाना और प्रैक्टिस करना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसके बिना इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल होगा. एंड जो भी कंटेंट यहाँ पर है, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा. नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, इस डे वन चैलेंज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे, जो बेसिक आपको पूरे 25 डेज में काम आने वाला है. तो फ्रेंड्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर. एंड आपका फर्स्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे. एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि हम किसी चीज के होने के बारे में बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल देख लो कि राम जयपुर में है, हम लोग क्लासेस में है, क्लास में फैन है, तो किसी चीज के होने का पता चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस. ठीक है. अब इस टाइप के सेंटेंस को बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे. बेसिक में क्या आता है, आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, किसी के बारे में बात कर रहे हैं उसको बोलेंगे सब्जेक्ट. आपके सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको बोलेंगे सब्जेक्ट. जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, राम जयपुर में है, तो राम के बारे में बात हो रही, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. ऐसे हम लोग सारे सब्जेक्ट को देखते हैं. आई मतलब होता है मैं, यू तुम, वी हम लोग, दे वे लोग, ही वो. अब ही कब यूज करते हैं, जब कोई लड़का हो और किसी लड़के को आप इशारा देके बता रहे हो वो, तब आप यूज करोगे ही. शी जब कोई लड़की हो, आप उसको इशारा देके बोलोगे वो, या फिर ये, तो उसको बोलेंगे आप क्या, शी. एंड आ जाता है नेम. जो भी आपका सिंगल नेम होगा, राम, या फिर एक से ज्यादा नाम भी हो सकता है, राम एंड श्याम, इस टाइप के आपके जो भी वर्ड होंगे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको बोलेंगे सब्जेक्ट. इतना आपको क्लियर हुआ? सो अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे. कोई भी आपको सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस को पहले आपको पहचानना है कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है. जब भी सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो, होगा, तब आप बोलोगे ये प्रेजेंट टेंस है. एग्जांपल, मैं जयपुर में हूं, राम जयपुर में है, तुम जयपुर में हो. ये सारे एग्जाम्पल हो गए प्रेजेंट टेंस के, कि ये बता रहा है कि अभी प्रेजेंट में है. ओके, नेक्स्ट देखते पास्ट टेंस में, जिसमें लास्ट में आएगा था, थी, थे, तो इसको बोलेंगे पास्ट टेंस, कि कोई था, अभी है नहीं, था. जैसे एग्जांपल, मैं जयपुर में थी, राम जयपुर में था, तुम जयपुर में थे, तो इस टाइप के सेंटेंस को बोलेंगे पास्ट टेंस. देखो कितना आसान है सेंटेंस को पहचानना. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर. इसका बहुत सिंपल है, गा, गी, गे, यही आएगा आपको लास्ट में. एग्जाम्पल देखते हैं, मैं जयपुर में होंगी या जयपुर में रहूंगी, दोनों हो सकता है. मैं जयपुर में होंगी या मैं जयपुर में रहूंगी. ठीक है. नेक्स्ट, राम जयपुर में होगा, राम जयपुर में रहेगा. ठीक है. एंड आपको ये नहीं बोलना है कि राम जयपुर जाएगा, क्योंकि इसमें काम हो जाएगा फिर जाने का, इसलिए ये गलत हो जाएगा. एग्जिस्टेंस मतलब सिर्फ आप बता रहे हो, इसमें कोई वर्ब नहीं आएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें कोई वर्ब नहीं होगा. ठीक है, इसमें वर्ब नहीं होगा, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे. नेक्स्ट, आपने क्या देखा, तुम जयपुर में होगे,
तो यहाँ पे ग गी गे ये सब आ रहा है, इससे आपको पहचानना है कि ये कौन सा होगा, फ्यूचर टेंस होगा। सारे तीनों टेंस हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अभी देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस अगर हम लोग सीख रहे एग्जिस्टेंस का प्रेजेंट टेंस, तो इसमें कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी आपको मैं बता दूंगी इस सेंटेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करने हैं, एंड ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो बचे हुए सेंटेंस में रिमेनिंग पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आप जयपुर की बात करो तो जयपुर आपके सेंटेंस में एक्स्ट्रा आ गया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अलावा, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राम जयपुर में है। तो राम इज इन जयपुर, इसका फॉर्मूला क्या हुआ आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लोग यूज करेंगे इज एम आर। अब ये इज एम आर जो है ये किसके साथ कौन सा यूज करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं, जो सिंगुलर होता है जिसमें हम लोग किसी एक की बात कर रहे हो, जैसे राम की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं, तो राम सिंगुलर है। और सिंगुलर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो ही शी इट, ये सब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। या फिर कोई एक सिंगल नाम होगा, या ही होगा, या शी होगा, या इट होगा, तो इनके साथ हम यूज करेंगे इज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अभी राम जयपुर में है, राम इज इन जयपुर, वो जयपुर में है, शी इज इन जयपुर, वो जयपुर में है। अगर मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ, ही इज इन जयपुर। एंड किसी एनिमल्स की बात कर रहे हैं आप, या फिर किसी थिंग्स की बात कर रहे थे, हम लोग यूज करेंगे इट, कि लाल है, इट इज रेड। तो ये सब हो गए हमारे सिंगुलर वाले। अब हम लोग देखेंगे प्लूरल वाले, और आई भी देखेंगे। आई को पहले हम लोग अलग से देख लेते हैं, आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है प्रेजेंट में, एम। तो ये एम जो है सिर्फ आई के साथ आता है, आप देख लो कहीं भी देख लो, एम सिर्फ आई के साथ ही आता है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं जयपुर में हूँ, आई एम इन जयपुर, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर, मैं क्लासेस में हूँ, आई एम इन क्लासेस। तो इस टाइप के सेंटेंस हो गए आपके आई वाले। नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल वाले, जिसके साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं, आर। तो यहाँ पर देखो आप एग्जाम्पल, तुम क्लासेस में हो, यू आर इन क्लासेस, तुम जयपुर में हो, यू आर इन जयपुर, हम लोग जयपुर में हैं, वी आर इन जयपुर। तो यहाँ पे देखो सबके साथ क्या आ रहा है, आर आ रहा है। वे लोग जयपुर में है, दे आर इन जयपुर। तो इस टाइप के प्लूरल वाले अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी में दो जन की बात कर रहे हो, या दो तीन से ज्यादा के लोगों की बात कर रहे हो, एग्जाम्पल राम एंड श्याम क्या है, जयपुर में है। तो यहाँ पे देखो राम के साथ श्याम की बात भी कर रहे हैं, दो इंसान की बात कर रहे हैं, दो पर्सन है यहाँ पर, तब ये हो जाएगा आपका प्लूरल। तो बोलेंगे राम एंड श्याम आर इन जयपुर। क्या यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं आप, राम एंड श्याम इज इन जयपुर? रॉन्ग। आप क्या बोलोगे, राम एंड श्याम आर इन जयपुर। तो ये हम लोग देखे प्रेजेंट की चीजें। अब मैं यहाँ पे आपको लास्ट में एक बता देती हूँ कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ताकि आपको वो चीज याद रहे, और ये नोट्स आप जरूर बनाएं ताकि आप रिवीजन करते रहें, और रिवीजन करने से आपका जो माइंड मैप होगा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और आपको जब बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट आपके मुंह में आएगा, और आप इंग्लिश आसानी से बोल पाओगे, अपनी हैबिट को अच्छे से बिल्ड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई, आई के साथ यूज करेंगे एम, ही शी इट, और कोई सिंगल नेम होगा जैसे राम तो उसके साथ यूज करेंगे हम लोग इज, यू वी दे, एंड प्लूरल नेम्स फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे आर। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, एग्जिस्टेंस का प्रेजेंट टेंस। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, क्यों सेकेंड फॉर्म बोल रहे हैं, कि जो हमारा प्रेजेंट था ना, अब यहाँ पे उसका पास्ट वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर। तो वाज कब यूज करना है, वर कब यूज करना है, तो बहुत ही क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ। जहां पर हम लोग वहां इज और एम यूज कर रहे थे वहां पे लगाएंगे वाज, और जहां पर आर यूज कर रहे थे वहां लगाएंगे वर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते अभी हम लोग, आई शी ही इट और कोई सिंगुलर नेम, इनके साथ लगाएंगे हम लोग वाज, और उसके बाद आता है यू वी दे एंड प्लूरल नेम, इसके साथ लगाएंगे हम लोग वर। तो एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। अब तो बहुत आसान हो गया है समझना, क्योंकि आपने पहले ही सीख लिया कि आप बेसिक होता है सब्जेक्ट क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, मैं जयपुर में थी, तो आई वॉज इन जयपुर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो आई के साथ क्या आ गया, वॉज, वो जयपुर में थी, शी वॉज इन जयपुर,
वो जयपुर में था, ही वॉज इन जयपुर। तो इस टाइप के सेंटेंस में देखो कैसे आपने वॉज लगाया, राम जयपुर में था, राम वॉज इन जयपुर। बहुत ही आसान हो गया आपको, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और सेंटेंस देखते जाना है कैसे बना रही हूँ मैं। इसके बाद जब लेक्चर हो जाएगा आपका तो आप खुद से सेंटेंस भी एक्स्ट्रा बनाओगे। अब हम लोग प्लूरल वाले के बारे में देखते हैं, तुम जयपुर में थे, यू वर इन जयपुर। यहाँ पे क्या आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब वर, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है और ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस हैबिट बनाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से आपके मुंह पे वो ऐसा बैठ जाएगा ना कि आप कभी भूलोगे नहीं। हम लोग जयपुर में थे, वी वर इन जयपुर। वे लोग जयपुर में थे, दे वर इन जयपुर। इसके बाद हम लोग अभी कुछ प्लूरल नेम्स के बारे में देख लेते हैं, राम एंड श्याम जयपुर में थे, राम एंड श्याम वर इन जयपुर। तो फ्यूचर टेंस में देखो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर देखो आप कि सबके साथ आपको विल बी ही यूज करना है, विल बी, सब सारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, विल बी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ अलग और प्लूरल के साथ अलग, यहाँ पे सबके साथ आपको क्या यूज करना है, विल बी। चलो सेंटेंस देखते हैं, मैं जयपुर में रहूंगी, आई विल बी इन जयपुर। राम जयपुर में होगा, राम विल बी इन जयपुर। हम लोग जयपुर में होंगे, वी विल बी इन जयपुर। तुम क्लास में होंगे, यू विल बी इन क्लास। तुम डॉक्टर होंगे, यू विल बी आर डॉक्टर। मैं डॉक्टर होगी, आई विल बी आर डॉक्टर। तो इस टाइप के सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे, विल बी। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है एंड आप नोट्स बना रहे हैं। एक बात याद रखना कि आपने अगर ठान लिया है और ये चीज देख रहे हैं कि अब मुझे सीखना है, तो इस लेक्चर के बाद प्रैक्टिस जरूर करेंगे और इस टाइप के सेंटेंस को डेफिनेटली इंग्लिश में जरूर बोल के देखेंगे कि आपको बोलने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये करने से पहले आप उसको नोट्स में बना लो, कि नोट्स में प्रैक्टिस कर लो कि ये टाइप के सेंटेंस मुझे बनाने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्स्ट्रा सेंटेंस देखेंगे दो चार, और उसके बाद फिर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम, अगर आप नोट्स साथ में नहीं बनाए तो टेलीग्राम पे जाकर पीडीएफ लेके आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर नोट्स की कॉपीज भी निकाल सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपके लिए ज्यादा आसान होगा। और टेलीग्राम का लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जरूर जाके आप देखें और नोट्स जरूर अपने पास रखें। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सारे एग्जांपल्स लाइन से देखते हैं, आप बस सुनते जाइए और मेरे साथ बोलते जाइए। वो मेरा अच्छा दोस्त है, ही इज माई गुड फ्रेंड। वो सभी क्रिकेट खिलाड़ी है, दे आर क्रिकेट प्लेयर्स। तुम एक समझदार लड़के हो, यू आर सेंसिबल बॉय। हम सब भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। वो मेरा मोबाइल है, दैट इज माई मोबाइल। वो मेरे दोस्त का भाई है, ही इज माई फ्रेंड, सॉरी ही इज माई फ्रेंड्स ब्रदर। इसमें नेगेटिव भी देख लेते हैं, नेगेटिव में बस आपको नॉट लगाना रहेगा सबके साथ। वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई गुड फ्रेंड। वो मेरे दोस्त का भाई नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड्स ब्रदर। हम लोग डॉक्टर नहीं है, वी आर नॉट डॉक्टर। तो इसमें नेगेटिव भी आपने सीख लिया कि आपको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे नॉट लगाना है। अब पास्ट टेंस का देखते हैं। एक बार एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। वो मेरे बचपन का दोस्त था, ही वॉज माई चाइल्ड हुड फ्रेंड। तुम कल यहाँ पर थे, यू वर हेयर यस्टरडे। कल रविवार था, यस्टरडे वॉज संडे। मैं घर में था, आई वॉज एट होम। वो कल मेरे साथ नहीं थी, शी वॉज नॉट विथ मी यस्टरडे। तुम कल यहाँ पर नहीं थे, यू वर नॉट हेयर यस्टरडे। वो कल अपने घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम यस्टरडे। मैं घर पर नहीं था, आई वॉज नॉट एट होम। वे कल स्कूल में नहीं थे, दे वर नॉट एट स्कूल यस्टरडे। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है कि आपने डब्ल्यू एच सेंटेंस नहीं बताया या वर्बल सेंटेंस नहीं बताया, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, डोंट वरी। बट ये आपका फर्स्ट डे, इसलिए मैं आपको कुछ इजी टाइप की बता रही हूँ, उसके बाद हम लोग डब्ल्यू एच भी देखेंगे, वर्बल भी देखेंगे। वो भविष्य का एक अच्छा नेता होगा, मैं फ्यूचर टेंस की बात कर रही हूँ अब, तो ही विल बी अ गुड लीडर इन फ्यूचर। मैं 2 साल बाद ग्रेजुएट होऊंगा, मतलब आप बता रहे हो कि आप हो गए अभी, आई विल बी ग्रेजुएट आफ्टर 2 ईयर्स। वो कल मेरे साथ होगा, ही विल बी विथ मी टुमारो। ये घर एक दिन मेरा होगा, दिस विल बी माय हाउस वन डे। वो एक अच्छा डॉक्टर होगा, ही विल बी अ गुड डॉक्टर। मैं एक अच्छा डॉक्टर रहूंगा,
आई विल बी अ गुड डॉक्टर. वो कल मेरे साथ नहीं होगा. ही विल बी नॉट विथ मी टुमारो. एंड यहाँ पर आप विल बी नॉट की जगह पे विल नॉट की जगह पे आप वोंट लगा सकते हो. ही वोंट बी विथ मी टुमारो. तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा. मैं 2 साल बाद ग्रेजुएट नहीं होऊंगा. आई वोंट बी ग्रेजुएट आफ्टर 2 ईयर्स. सो नाउ अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और हमें कैसे प्रैक्टिस करना है. तो हम लोगों ने देखा प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में आपने देखा कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के सेंटेंस बनाने आने चाहिए. जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव का मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ अभी. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट. इज एम आर के अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं. आपको बस ये 3 हेल्पिंग वर्ब याद रखना है. उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो आप क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. तो उसमें साइड में मैं आपको ये बता देती हूँ, इज और नॉट को इजेंट बोलोगे, आर नॉट को अरेंट बोलोगे और एम नॉट को एंट बोलोगे या फिर एम नॉट बोलोगे एम्ट बोलोगे. तो इन तीनों को आप एंट भी बोल सकते हो. ये आपके लिए आप जैसा आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो आप. उसके बाद नेक्स्ट देखो आप पास्ट टेंस में. पास्ट टेंस में आपका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा? वाज वर. तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, आप इसको आप शॉर्ट में ऐसा बोलोगे, वाज नॉट को वजंट, वर नॉट को वरेंट. आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो. उसके बाद देखो आप फ्यूचर में. फ्यूचर में आप ये देखोगे कि आप फ्यूचर के पहले फॉर्मूला लिखेंगे फ्यूचर का. सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. तो यहाँ पर आपका विल बी तो आसानी से आ गया, सिर्फ एक ही आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. जब नेगेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है. तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते बच्चे कि विल बी पहले बोले या विल नॉट बी पहले बोले, क्या बोले पहले. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि विल प्लस नॉट को आप क्या बोलोगे? वोंट. वोंट बोलने के बाद आपको टेंशन ही नहीं होगा कि वोंट पहले लगाना है कि बी पहले लगाना है. सिंपल है, आप वोंट पहले लगाओगे. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि वो डॉक्टर नहीं होगा. ही वोंट बी अ डॉक्टर. विल नॉट बी अ डॉक्टर. वोंट बी अ डॉक्टर. आपके लिए जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हो. नेक्स्ट कि अब आपको क्या करना है, जो सेंटेंस मैंने लिखवा दी उसके नोट्स बना लो. इसके अलावा आप एक्स्ट्रा सेंटेंस भी बनाओगे और कोई डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट में बताएं. मैं आपके कमेंट को चेक करूंगी और जरूर जिसका भी जो भी डाउट होगा उसको मैं इंक्लूड करूंगी वीडियो के कंटेंट में. तो ये आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो आज ही कमेंट में बताएं मुझे कि येस आई एक्सेप्टेड द चैलेंज. जो भी है आपका कमेंट में जरूर बताएं, मैं सारे कमेंट्स चेक करूंगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार आए हुए तो, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेगी. और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डे 25 तक. ऑल द बेस्ट.